तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे जो मेरे ट्रैक्टर में स्टीयरिंग सिस्टम आज के टाइम में मेरे को देखने को मिलते हैं, वो होते हैं मैकेनिकल स्टीयरिंग, सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग और डबल एक्टिंग स्टीयरिंग। तो इन सभी में से आपके लिए सबसे अच्छा और एक बेहतरीन कौन सा स्टीयरिंग सिस्टम रहता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। तो ये जो मेरा स्टीयरिंग का सिस्टम है, इसमें पूरा जो मेरा एक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है वो लिंकेज रोड के थ्रू हमारा ऑपरेट किया जाता है, और इसमें कोई भी हमारा हाइड्रोलिक का कनेक्शन इस स्टीयरिंग में हमारे को देखने को नहीं मिलता। जो इस स्टीयरिंग की हमारे सबसे बड़ा एक फायदा और एडवांटेज ये रहती है कि जिस ट्रैक्टर में हमारा ये स्टीयरिंग सिस्टम लगा रहता है उसकी जो आपको कीमत पड़ जाती है वो करीब 30 से 40 हज़ार कीमत में आपको वो ट्रैक्टर थोड़ा सस्ता वहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं जो मेरा मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम रहता है इसमें हमारे को क्या क्या मेजर खामियाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी जो इसकी मेजर खामियां वो होता है इसको ऑपरेट करने में, जब मान लीजिए मेरा ट्रैक्टर धस जाता है या मैं उसको कीचड़ वगैरह यानी जब हम धान वगैरह लगाते हैं उसके खेत में चलाते हैं, तो जब कोई भी ड्राइवर इसको ट्रैक्टर को चलाता है तो उस समय पे जो ड्राइवर का इसको कटाई करने में ट्रैक्टर का जो जोर लगता है वो इस ट्रैक्टर में मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम में वो काफी ज्यादा ड्राइवर का इस ट्रैक्टर में जोर लगता है। और जो अगला पॉइंट है इस कमी का वो है इसमें प्ले आ जाना, यानी जब 5-7 साल बाद आप ट्रैक्टर को चलाते हो तो इसकी जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो आपको प्ले इसमें देखने को मिल जाती है, यानी जो इसका स्टीयरिंग गियरबॉक्स रहता है या आपका जो टायर का स्पेंडल रहता है वहां पे घिसाई होने के कारण वहां पे प्ले आ जाती है, जिस वजह से यहाँ पे इसकी कटाई करना थोड़ा मेरा मुश्किल हो जाता है मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम के होने के कारण। अब बात करते हैं मेरा सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले ये जो मेरा सिस्टम रहता है ये पूरा हाइड्रोलिकली ऑपरेट रहता है, और इस सिस्टम को चलाने के लिए मेरा इंजन पे एक सेपरेट ऑयल पंप लगा रहता है जो कि पूरे सिस्टम को प्रेशर प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा एक हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो टायर यानी जो मेरे ट्रैक्टर के फ्रंट के दो टायर रहते हैं उसमें सिर्फ सिंगल साइड ही प्रोवाइड किया गया है, जिस वजह से इसको हमारा सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग सिस्टम बोला जाता है। और जो दूसरा मेरा टायर रहता है दूसरी साइड का उसको यानी उसकी कटाई करने के लिए यहाँ दोनों टायरों को मेरा एक टाई रोड से कनेक्ट किया जाता है इस स्टीयरिंग सिस्टम में। अगर आप एक ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हो जिसमें हमारा एक सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग सिस्टम लगा रहता है और वहां पे आपको एक ऑप्शन अनदर रहता है मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम के साथ, तो अगर आप वहां पे एक सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग सिस्टम के साथ ट्रैक्टर लेते हो तो जो उसकी कीमत है आपको 30 से 40 हज़ार थोड़ी प्लस पड़ेगी, यानी ज्यादा उसकी कीमत आपको पड़ेगी। स्टीयरिंग सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि इसको जो ऑपरेट करने के लिए मेरा जो ड्राइवर का एफर्ट है यानी जो इसको घुमाने के लिए स्टीयरिंग को मेरा ड्राइवर का जो जोर लगता है स्टीयरिंग सिस्टम में काफी कम लगता है एज कम्पेयर टू मेरा जो मैकेनिकल वाला स्टीयरिंग सिस्टम रहता है। तो ये मेरा इस स्टीयरिंग सिस्टम का काफी बड़ा एक एडवांटेज हमारे को इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस व्यू पॉइंट से। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपका कुछ भी स्टीयरिंग सिस्टम में हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कभी हाइड्रोलिक की पाइप फट जाती है या जो मेरा स्टीयरिंग का सिलेंडर है वो लीक हो जाता है, तो इस स्टीयरिंग में आपको जो स्टीयरिंग सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो थोड़ी ज्यादा पड़ती है, जबकि जो मेरा मैकेनिकल स्टीयरिंग रहता है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे को मिनिमम के बराबर ही वहां पे देखने को मिलती है। अब आते हैं जो मेरा ये सिंगल एक्टिंग स्टीयरिंग रहता है इसकी जो दूसरी काफी बड़ी जो मेरे को कमी यहाँ पे एनालाइज होती है यानी महसूस होती है वो है कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा स्टीयरिंग का सिलेंडर है वो दोनों टायरों में से सिर्फ एक टायर की तरफ लगा रहता है, जिस वजह से कुछ साल ट्रैक्टर चलने के बाद यहाँ पे मेरा होता क्या है कि जो ये स्टीयरिंग की आर्म मेरी सेंटर स्पैंडल में लगती है तो कुछ सालों बाद हमारे को वहां पे प्ले देखने को मिलती है, जो मेरा स्टीयरिंग की आर्म और स्पेंडर रहता है उसके बीच में वहां पे हमारे को प्ले आ जाती है, तो ये भी एक स्टीयरिंग का काफी एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं हमारा डबल एक्टिंग स्टीयरिंग के बारे में। जो मेरा डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिस्टम रहता है ये दोनों टायरों में हमारा जो एक स्टीयरिंग की रोड है वो दोनों टायरों में अटैच रहती है, और जब भी हम स्टीयरिंग की कटाई करते हैं तो दोनों टायरों में मेरे को कटाई बराबर यहाँ पे देखने को मिलती है,
और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को स्टीयरिंग सिस्टम में ये रहता है कि जो स्टीयरिंग फोर्स हमारी रहती है वो दोनों टायरों पे इक्वली हमारे को देखने को मिलती है, और डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिस्टम होने से हमारी जो स्टीयरिंग की कटाई है वो काफ़ी स्मूथली वहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है। और इस स्टीयरिंग सिस्टम की जो मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि जब आप हैवी लोड वगैरह पे अपने ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हो उस टाइम भी यानी मेरा स्टीयरिंग अच्छा आपको परफॉर्म करता है, काफ़ी स्मूथली हमारा ट्रैक्टर रन करता है। अगर बात करें इस स्टीयरिंग सिस्टम की खामी के बारे में तो इस स्टीयरिंग सिस्टम की एक ही खामी है कि ये थोड़ा हमारे को और स्टीयरिंग सिस्टम से थोड़ा महंगा पड़ जाए। और इस स्टीयरिंग सिस्टम की जो सबसे बड़ी एक एडवांटेज है वो ये रहती है कि जैसे दोनों टायर मेरे स्टीयरिंग रोड से ऑपरेट होते हैं तो इसमें जो मेरा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में मेरा प्ले का इशू रहता है तो इस स्टीयरिंग सिस्टम में मेरे को वो ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलता, जो स्टीयरिंग सिस्टम की हमारी काफ़ी बड़ी एडवांटेज यहाँ पे रहती है। तो आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।